हम लोग आ गए हैं कोमोडो ड्रैगन के एंट्रेंस गेट पर। सब कुछ लिखा है, बातें इसको पढ़ लीजिए। और ये है कोमोडो ड्रैगन का एंट्रेंस। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं कोमोडो ड्रैगन आइलैंड पर, जिसका मुझे बहुत सालों से इंतजार था। सालों नहीं, कई दिनों से। और पिंग बीच से और आते वक्त मतलब एक छोटी सी नींद भी पूरी कर लिया। और अब मैं जा रहा हूँ कोमोडो ड्रैगन आइलैंड, कोमोडो को देखें। तो आ गए हम लोग कोमोडो ड्रैगन आइलैंड पर। और क्या चाहिए, अब बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ मैं। और मैं अभी जा रहा हूँ कोमोडो को देखने। तो बस चल के वहाँ तक जाना है। यहाँ पर एक एंट्रेंस फीस लगी है जो कि मैंने दिया इनको, 3,20,000 रुपए दिया इनको, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 1,500 के आसपास हुआ। अभी मैं जा रहा हूँ कोमोडो ड्रैगन के एंट्रेंस गेट पर, मिलते हैं आपसे। सो हम लोग आ गए हैं कोमोडो ड्रैगन के एंट्रेंस गेट पर। ये सब कुछ लिखा है, बातें इसको पढ़ लीजिए। और ये है कोमोडो ड्रैगन का एंट्रेंस। ये ऊपर दो कोमोडोज बैठे हैं, असली नहीं है लेकिन इतने बड़े तक मिलते हैं। और जिनको छोटी छोटी छिपकलियों से डर लगता है घर में, जिन महिलाओं को डर लगता है, वो यहाँ बिल्कुल मत आए, उनके लिए सब जगह नहीं है। क्या गुड मॉर्निंग today, so you are at Loholiang. Loholiang we taken from Komodo language. Lohol it means bay and liang it means nest. और अब हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी मीडियम ट्रैक पर, जहाँ पर हम लोग ट्रैकिंग करेंगे। और इन्होंने बोला कि कोई श्योरिटी नहीं कि आपको कोमोडो ड्रैगन्स दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन आई होप कि दिख जाए, क्योंकि उसी के लिए हम लोग इतना दूर आए हैं। और इन्होंने बोला अगर ड्रैगन आपके पीछे पड़ जाए तो क्या करना है। तो पहले तो उनके पास एक डंडा है अजीब सा, उससे वो कंट्रोल करेंगे। अगर उससे नहीं माना तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। अब हम जैसे लोग तो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, तो हम लोग क्या करना है, zigzag भागना है। इससे क्या होगा, कोमोडो ड्रैगन सीधे भागता है, हम लोग zigzag भागेंगे तो वो धीमे भागेगा। बस यही है। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ग्रुप से अलग नहीं होना है मुझे व्लॉगिंग करते करते। पता चला कि मैं कोमोडो का खाना बन गया। Which one? Yeah, there was a Komodo. There is a Komodo. Yeah. Which one? It's going on inside here. Small dragon. Come. Oh, sorry. Guys, still small because still scared with the people. अभी एक छोटा कोमोडो का बच्चा दिखा था, और हमारे बीच में ही टूर ग्रुप में ही किसी एक ने उसको ढूंढा। हम लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वो अंत में अंदर चला गया। मैंने आँखों से देख लिया, लेकिन कैमरे में शायद नहीं आ पाया वो। अब आगे देखते हैं, आई होप आगे बड़े वाले मिल जाए। वो तो बच्चा था वो। So this is about 20 years and medium size, not full size, and 2 meters tall. Okay, you follow him. And the biggest one here, 3.50 meters. The biggest one here. Okay, taking picture. It's okay, don't worry. Don't panic. Even not
disturb him, so not he's not disturb us. मेरे पीछे है कोमोडो ड्रैगन जिसको देखने आया था भाई आगे मेरे सामने ओह शिट कितनी धर आ रहा है बहुत बड़ा है इट्स लाइक 1.5 मीटर लॉन्ग जिसको देखने आ गए थे वो ही मिल गया हमको ओके चाहिए So the ratio of Komodo, one female about three male. So why the male and male fight? Who's stronger? Who's winner? Later get female. If not, looking for the another. I have heard that Komodo Island is getting closed by 2020. Yeah, and 3 days ago, our governor came from our province, and he's come out his statement. So he say this. तो अभी जस्ट यहाँ से 1.5 मीटर वाला बड़ा कोमोडो ड्रैगन गया और इससे अब अच्छा मुझे और उम्मीद नहीं है क्योंकि ये दिख गया मेन रोड पे ऐसे रोड पे जाते हुए दिख गया तो जिसके लिए आए थे वो दिख गया और क्या चाहिए पैसा वसूल हो गया पूरा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था रियलिटी में देखने में बड़ा अच्छा होता है डिस्कवरी में या वैसे टीवी चैनल में कि उनको देखो वो सब तो नॉर्मल है लेकिन ऐसे जब आप आंखों के सामने मतलब 1 मीटर दूर मैंने देखा तो अलग ही चीज़ है और ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं इनका जहर अगर एक बार लग जाए तो आदमी पैरालाइज होके निपट जाएगा तो थोड़ा कॉशियस भी रहना पड़ता है लेकिन डर तो काफ़ी लग रहा था लेकिन सही है तो इस एरिया में जो छोटे जानवर होते हैं जैसे डियर या पिग खाना खाने या पानी पीने आते हैं बेसिकली पानी पीने आते हैं तो कोमोडोज यहाँ पर उनका शिकार करते हैं तो जनरली भी ऐसा बोल रहा है गाइड कि यहाँ पर जनरली कोमोडोज ज़्यादा दिख जाते हैं सो मे बी सेड दे स्लीप इन द नाइट टाइम एंड ही इज थिंकिंग सो व्हाई टुडे आई एम नॉट बाइट बाय कोमोडो व्हाई टुडे आई एम नॉट अटैक्ड बाय कोमोडो मे बी ही थिंकिंग लाइक दैट एंड इन द नेक्स्ट डे ही विल ट्राई टू गो अप अलोन एंड कोमोडो वेंट टू बाइट द डियर सो दे नॉट डायरेक्टली ईट सो लेटर आफ्टर द बाइट So they put the battery and then they let the animals go and later they follow behind before the animals to die. They know 1 week you die. They know that. So that's why the Komodo not directly to it. Because later the animals killed by the battery. Yes. Okay? Okay. Mm-hmm. Of the bird, Megaput bird, seem like a guinea fowl bird. You know the guinea fowl? Turkey bird? No. Yeah. So very strong feet and then so orange feet from the birds how to build this nest so female and the male bird and later 100% the female use the bird nest to put the egg and then so the female dragon so when they put in the one rail hole and then they close the hole and later so the female dragon they're digging for several hole And the other hole two camouflage, but only one the real. So and later the other Komodo come to this place. I mean to this hill. They're looking for the egg. They are confused here, but only she know. The other cannot know. But only she know the real hole for him, for her. Yeah. And Komodo, they have not a nest for egg. They use the bird nest, and for sleeping they use the wild bird nest. They are not natural enemies here. Komodo is the big predator here. So why the Komodo is so big? So they have not other predator to compete with here. Yeah. Okay? Okay. Continue. How many Komodos are there on this island? 1,377. And what about in Rinsha Island? Rinsha, 1,500. Oh. और एक छोटा सा पुल जो कि सूखी नदी के ऊपर से था इसमें पानी नहीं था एंड बिहाइंड मी देयर इज अ कोमोडो लाइंग ओवर देयर एंड इट्स लाइक 1 मीटर और मोर देन 1 मीटर ज़्यादा पास नहीं जाऊँगा साला पीछे पड़ जाएगा 2020 में जैसा कि मैंने पढ़ा था ये लोग भी बता रहे हैं कि 2020 में बंद होने के चांस हैं
इस आइलैंड का, आई डोंट नो रिंशा आइलैंड जो कि दूसरा आइलैंड जहाँ पर भी कोमोडो ड्रैगन मिल सकते हैं वो बंद होगा कि नहीं बंद होगा, लेकिन हाँ कोमोडो ड्रैगन आइलैंड जो ये है जिसमें मैं हूँ ये बंद हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। एक और कोमोडो दिखाए जा रहे हैं, देख रहे हैं उसको हम लोग, बुला रहे हैं गाइड हमारे, कहाँ है कोमोडो, कोमोडो आ गया, कोमोडो कोमोडो तो कोमोडो देख लिया, अब उनके खाने को भी देख लिया जाए। और मेरे पीछे हैं कुछ डियर, कुछ क्या दो डियर इधर जो कि कोमोडो ड्रैगन का खाना है। तीन कोमोडो देखने के बाद यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो को जरूर लाइक करो, नहीं तो कोमोडो आ जाएगा। तो बस अब जाने का वक्त हो गया है इस कोमोडो ड्रैगन आइलैंड से, और काफ़ी बार्गेन करने के बाद मुझे इंडियन करेंसी में 500 में ये मिल गया सुवेनियर के लिए, तो मैं ले लिया। थैंक यू फॉर कमिंग, या वेलकम। अच्छा 500 रुपये फर्स्ट, ठीक है यार, कौन सा रोज जा रहा हूँ, रख लूँगा अपने हॉस्टल में। जा रहे अपनी बोट में, तो अभी अपने बोट पे आकर बैठ गए हम लोग। और हाँ है हमारा छोटा सा कोमोडो ड्रैगन, और ये लंच हमें मिला है जो कि हमारे आइटनरी में ही था, तो खा लेता हूँ। तो कनावा एक जगह है, वहाँ पर भी स्नॉकलिंग है और बीच है, तो वहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं। क्या लग रहा है, इस जगह का नाम है कनावा, कनावा लोकेट कनावा। यहाँ पर दिख रहा है सारे केल्प्स शायद इनको बोलते हैं, मैं मांटा रे जहाँ पर थी वहाँ देखने के लिए नीचे उतरा, तो बेसिकली वो एकदम समुद्र के बीच का था। तो हुआ क्या कि मैं गया अपना गोप्रो ऑन करके कूद गया, लेकिन मेरा पता नहीं क्या हुआ कि नाक वक़ा बहुत ज़्यादा पानी चला गया, तो मैं वहाँ डूबने लग गया। तो बस मरते मरते बचा, तो मैं चला हेल्प, जो क्रू मेंबर्स थे वो आके ले गए। एक तो उतना आइडिया भी नहीं स्नॉकलिंग करना कैसे, थोड़ा बहुत आइडिया तो है तो ये दिक्कत हो जाती है कई बार। तो भाई इस बार मैं स्नॉकलिंग कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आराम करूँगा, और जब भी हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं तो इतनी नींद आई हुई है सुबह से कि मैं सो जा रहा हूँ हमेशा। यहाँ एक घंटे का टाइम दिया है, देखते हैं क्या कर सकते हैं।
वो नारियल लगे हुए हैं, काफ़ी पीले हैं नारियल, इधर ख़राब हो गए हैं क्या शायद। तो बस अब यहाँ पर आके बैठ गया हूँ, ये लास्ट पॉइंट है हमारे आज के टूर का, और यहाँ कुछ ज़्यादा करने को नहीं, बीच है और स्नॉकलिंग है, स्नॉकलिंग में नहीं कर रहा है, और यहाँ नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है। तो बस यही है आज का टूर, ऐसे ही था, बहुत अच्छा रहा टूर। कोमोडो ड्रैगन आइलैंड के अलावा बटर आइलैंड तो ज़रूर ही जाना चाहिए, क्योंकि व्यू तो भाई गजब है उसका, उसकी बराबरी ही नहीं। मतलब आज सुबह टैक्सी आने वाली थी हम लोग को पिकअप करने के लिए 5:30 बजे, और मैं उठा हूँ 5:40 पे, वो मेरे को कॉल करता है, उसको मैंने नंबर दिया, सबने इंडोनेशिया का नंबर दिया था, वो मेरे को कॉल करता है, बोलता है कि कहाँ हो आप, कहाँ हो आप, भाग के एकदम गया, जो टैक्सी पिकअप करने वाली थी वो तो चली गई आगे। तो मैं फिर एक बाइक टैक्सी किया उसके साथ ही, फिर गया वहाँ हार्बर तक, फिर वहाँ से बोट लिया। आज अगर मिस कर जाती ना तो बटर आइलैंड का व्यू मिस हुआ था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। इट्स वीडियो। नो 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 वीडियो, सॉरी। योर नेम? माय नेम। या। माय टेलीफोन इज, यू कैन कॉल मी शू। शू, एंड व्हाट इज योर नेम? शू जेंग। ओके, आई एम दिव्यांश, नाइस टू मीट यू। Let's sing that song. Jindagi tum hi ho means you're my life. You're my life. So you wanna sing? You sing it. I will follow you. Okay. He's very funny guy actually. Exactly. So like imagine that. कुछ लोग अभी भी उधर स्नॉकलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे, और इधर कुछ ऐसा नज़ारा है। तो वक्त आ गया इसको ख़त्म करने का, इस दिन को तो पहुंच गए हैं लेबन बाजो, और हम लोग जा रहे हैं बोट से बाहर। तू मिलता है व्हाट? कुछ कुछ रहता है क्या, क्या करूँ, है कुछ कुछ होता है क्या तेरे लिए। बाय 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 बाय, it was great to meet you, sweet. Yeah. And we met again, we were on the flight, I was sitting beside you and now yeah yeah, ye wo jagah jahan main subah bhag kar aaya tha, baap re, bada relax feel ho raha hai। यहाँ पर है ये टैक्सी जो मुझे ले जाएगी मेरे हॉस्टल तक, और ये इंक्लूडेड था हमारे पैकेज में। थैंक यू, बाय बाय बाय। और आज की डेट है 12 जून, और अभी मैं कोमोडो से वापस आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद ये जो नासी कुलिंग है बड़ा टेस्टी मुझे लगा यार, दिमाग ख़राब हो गया सो खा के, इतना टेस्टी था यो डिश, इट वाज वेरी नाइस, वेरी गुड। यस, तो अभी बस इस मॉल से सटा हुआ एक बेकरी की शॉप थी, तो वहाँ मैं अंदर घुस गया, और यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ ये अजीब सी चीज़ें रखे हैं, रखी हैं, पता नहीं क्या है, मिनी लैम्पर कुकूज, मिनी लैम्पर कुकूज, तो मैं जा रहा हूँ मिनी लैम्पर कुकूज खाने। ये बेसिकली क्या है, ये है राइस, चिकन और बनाना लीव्स, तो मैं तैयार हूँ ये खाने के लिए, बहुत बेकार है। और यहाँ पर कैमरा जब मैं पकड़ा हूँ तो हर कोई मेरे को देख रहा है, और सबको या तो इंडियन बोल रहा है या तो अजीब तरीके से देख रहे हैं लोग,
कि ये भाई ये कर क्या रहा है, ये पागल लड़का सड़क पे अपने आप से बात कर रहा है, तो ये कभी कभी अजीब लगता है, लेकिन कोई नहीं। तो अभी मैं जहाँ पर से नासिक खाया था वहाँ पर फिर आ गया हूँ। यहाँ पर कुछ मिल रहा है कुछ 25 रुपये का, सो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी लेके ट्राई करता हूँ, क्योंकि यही सब तो करना है। ओके वन, थैंक यू।